तो गाइस कैसे हो सब। तो आज हम IQ Z7 का पूरा खतरनाक गेम प्ले दिखाएंगे, कैसा बढ़िया बढ़िया वाला हेडशॉट मेडशॉट वगैरह कुछ कुछ मजेदार कुछ होता है। तो क्या कुछ होता है तो फटाफट वीडियो के अंदर देख लो, फटाफट हेडशॉट डालने की निंजा टेक्निक है ये सब। तो आप लोग अगर IQ Z7 खरीद रहे हो तो उसमें एक चीज़ ख्याल करना, मैंने नोटिस करना, IQ का जो लेटेस्ट आया IQ Z7S, और वो गलती से वो मत खरीद लेना, IQ Z7 ही खरीदना अगर इन दोनों में से किसी को खरीदना है तो, क्योंकि उसमें HDR का सपोर्ट नहीं है, मीन्स HDR10 का, तो उसमें 10 बिट वाला वो वीडियो नहीं देख सकते। मैंने कुछ कुछ डिस्प्ले का उसमें थोड़ा मतलब डिस्प्ले का फ़र्क है, ठीक है। तो बढ़िया वाला डिस्प्ले चाहिए तो, और सब कुछ बढ़िया चाहिए तो ये वाला फ़ोन खरीद सकते हो। तो आप लोग तो जानते ही होंगे इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो उसमें है 920 का डायमेंसिटी का MediaTek डायमेंसिटी का प्रोसेसर, ठीक है। तो इसमें आराम से फ्री फायर मतलब पूरा क्वालिटी में आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, देख सकते हो एकदम तगड़ा क्वालिटी में, उसमें कोई भला ऐसा कोई अभी तक तो कोई इशू नहीं हुआ है। और मैंने लगभग इस फ़ोन को तीन महीने मतलब हो ही गया है। तो इसमें आप लोग कौन सा प्रॉब्लम फेस करोगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं तो आपको, अगर आप फ्री फायर खेल दो इस फ़ोन में तो आपका कोई लैग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत हीटिंग वाला कुछ प्रॉब्लम मिल सकता है, अगर आप दोपहर में खेल रहे हो तो, पता नहीं कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत हीट। और क्या है, हाँ DPI वाला एक प्रॉब्लम है। DPI आप 600 जिस फ़ोन में अभी खरीदा हूँ, इस फ़ोन में तो 600 से आराम से कुछ भी नहीं करना पड़ता, 600 करने से गेम आराम से चल जाता है। और कैमरा क्वालिटी तो बढ़िया रहता है, लेकिन उसका वीडियो जब करोगे पीछे वाला कैमरा से, उसमें OIS वगैरह सपोर्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कैमरे में जब वीडियो करते थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आप लोग खुद ही समझ जाओगे जब देखोगे। मतलब क्वालिटी ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा माने अब जब हटते हो ना चलते हो, तब उस वक्त में वो दूसरा वाला कैमरा जितना, इसको कैसे समझाओ, दरअसल कुछ भी हो पीछे वाला कैमरा में जब वीडियो करोगे थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो और क्या है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, मुझे नहीं दिखा अभी दूसरा वाला प्रॉब्लम। 5G का बढ़िया वाला स्पीड मिलता है, 100 MB तक मिल जाता है। मैंने हमारे यहाँ से थोड़ा बहुत दूर गया था, वहाँ से 100 MB दे रहा था, मतलब 100 MBPS दे देता है। तो और इसका और कोई ख़राब तो मुझे नहीं दिख रहा अभी तक दिखा, तो आप लोगों को ये वाला मैंने बताना था तो बता दिया। तो फिक्स का वीडियो तो मैंने दे दिया था, आप लोगों जो बंदे नहीं देखे तो देख लेना, किसी किसी बंदे का 600 करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको फ़ोन अपडेट देना पड़ेगा, अपडेट के बाद नहीं हुआ तो आपको तीसरा अपडेट में पक्का हो जाएगा। तो टाटा बाय बाय, आप लोगों में से लाइक शेयर कुछ